हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सचिन क्रिकेट टिप्स में। भाई लोग, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं लंका प्रीमियर लीग के 20वें मुकाबले के बारे में। कहां पर होगा मुकाबला, कैसा रहेगा पिच, कौन सा टीम किसके ऊपर भारी पड़ने वाला है, सारी जानकारी आपको स्टूडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल सचिन क्रिकेट टिप्स को ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन करें। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को बड़े ही आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने में, तो स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पर आप डायरेक्ट मैसेज करो, वहां से भी आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवा दूंगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको टॉस मैच सेशन गुड एक्यूरेसी के साथ सब कुछ फ्री देखने को मिलेगा, वो भी लाइफ टाइम फ्री प्रेडिक्शन के साथ। तो बिना समय गवाए जल्दी से ज्वाइन करो हमारा टेलीग्राम चैनल सचिन क्रिकेट टिप्स को। साथियों, लंका प्रीमियर लीग 2024 का 20वां मुकाबला कोलंबो स्ट्राइकर्स वर्सेस डम्बुला सिक्सर्स के बीच में खेला जाएगा और ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार आपको 16 जुलाई को शाम के 7:30 बजे से देखने को मिलेगा और ये मुकाबला आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा। दोस्तों, इन दोनों के लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर डम्बुला सिक्सर्स ने 5 मुकाबले में से 2 मुकाबले में जीत और 3 मुकाबले में से हार का सामना करना पड़ा है और वहीं दूसरी तरफ कोलंबो स्ट्राइकर्स ने 5 मुकाबले में से इसने भी 2 मुकाबले में जीत और 3 मुकाबले में इसे भी हार का सामना करना पड़ा है। इन दोनों के लास्ट 10 मैचेस के हेड टू हेड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर डम्बुला सिक्सर्स ने 7 मुकाबला अपने नाम किया है और वहीं दूसरी तरफ कोलंबो स्ट्राइकर्स ने 3 मुकाबला अपने नाम किया है। अब इन दोनों के पॉइंट टेबल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर्स ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं जिसमें से इसे 3 मुकाबले में जीत और 3 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है और पॉइंट टेबल पे 6 पॉइंट्स है। और वहीं दूसरी तरफ डम्बुला सिक्सर्स ने इस सीजन अब तक 7 मुकाबले खेले हैं जिसमें से इसे 2 मुकाबले में जीत और 5 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है और पॉइंट टेबल पे 4 पॉइंट्स है। अब बात करते हैं इन दोनों के लास्ट 10 मैचेस के टीम कॉम्पिटिशन के बारे में। यहाँ पर डम्बुला सिक्सर्स के जीतने के चांसेस 40% है और वहीं दूसरी तरफ कोलंबो स्ट्राइकर्स के जीतने के चांसेस 50% है। एवरेज स्कोर के बारे में बात करते हैं, 167 रन डम्बुला सिक्सर्स का और 155 रन कोलंबो स्ट्राइकर्स का। हाईएस्ट स्कोर के बारे में बात करते हैं, 191 रन डम्बुला सिक्सर्स का और 199 रन कोलंबो स्ट्राइकर्स का। लोवेस्ट स्कोर के बारे में बात करते हैं, 147 रन डम्बुला सिक्सर्स का और 74 रन कोलंबो स्ट्राइकर्स का। वेन्यू की बात करें तो आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो रहने वाला है। अब बात करते हैं वेन्यू स्टेट्स के बारे में। यहाँ पर पिछले 37 मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करके 57% मुकाबला जीती है और पहले गेंदबाजी करके 43% मुकाबला जीती है। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 146 रन, सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 129 रन, हाईएस्ट टोटल 222 रन, लोएस्ट टोटल 74 रन। हाईएस्ट रिचेज इस मैदान पे 169 रन किए गए हैं। अब बात करते हैं लास्ट 10 मैचेस के पिच रिपोर्ट के बारे में। यहाँ पर पिछले 10 मुकाबलों में तेज गेंदबाजों ने 49 विकेट्स लिए हैं तो वहीं दूसरी तरफ स्पिन गेंदबाजों ने 73 विकेट्स लिए हैं। पिछले 10 मुकाबलों में तेज गेंदबाजों का विकेट लेने का परसेंटेज 40% है तो वहीं दूसरी तरफ स्पिनर्स का 60% है। ऐसे में इस वेन्यू पर आपको तेज गेंदबाजी से ज्यादा स्पिन गेंदबाजी हावी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, लंका प्रीमियर लीग से जुड़ी प्रेडिक्शन टॉस मैच सेशन के लिए ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल सचिन क्रिकेट टिप्स को, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक से ज्वाइन करो हमारा टेलीग्राम चैनल और हर लीग में अपना ड्रीम पूरा कर ले मेरे भाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।